हेलो गाइस, तो अब हम चलेंगे हॉस्टल में और मैं हॉस्टल में ले जाके आपको दिखाऊंगा कि हॉस्टल कैसा है। तो चलते हैं गाइस हॉस्टल में। तो गाइस, ये पूरा हॉस्टल का एरिया है। मेरे राइट साइड में भी हॉस्टल है और ये लेफ्ट साइड में भी हॉस्टल है। ये यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल है। तो सबसे पहले चलते हैं बॉयज़ हॉस्टल में और बॉयज़ हॉस्टल में ले जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। तो बॉयज़ हॉस्टल में एंटर होते ही ये सामने मेडिकल रूम है। यहाँ पे ये यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल के रूम है। अब मैं गर्ल्स हॉस्टल की तरफ ले चलता हूँ और गर्ल्स हॉस्टल की मैंने एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कराई है। तो अब आप एक बार वो वीडियो क्लिप भी देख कर आइडिया लगा सकते हैं कि हॉस्टल का कैसा माहौल है और हॉस्टल कैसा दिखता है। ये एमिट यूनिवर्सिटी है। ये दोनों बॉयज हॉस्टल हैं एंड हेयर वी हैव द गर्ल्स हॉस्टल। दिस इज द कॉमन एरिया और किसी भी मेल एंटिटी की परमिशन इस एरिया से आगे नहीं होती है। एंड हेयर वी हैव द हॉस्टल ऑफिस वेयर द वार्डन्स सिट। हॉस्टल में दो ब्लॉक्स हैं, राइट में जाके ई ब्लॉक है और लेफ्ट में जाके एफ एंड एफ वन ब्लॉक्स हैं। जो ई ब्लॉक्स हैं वो नॉन एसी हैं एंड द एफ वन ब्लॉक्स आर एसी ब्लॉक्स। ये एमिट यूनिवर्सिटी हरियाणा का गर्ल्स हॉस्टल है और ये उसका एक स्वीट है। हर स्वीट में तीन रूम्स होते हैं और दो स्टैंड प्रोवाइड किए जाते हैं कपड़े सुखाने के लिए। देयर इज अ कॉमन वॉश बेसिन एरिया, अ वॉशरूम एंड अ बाथरूम। नाउ आई एम गोना शो यू अ रूम। हर रूम में दो लोग रहते हैं और दो बेड्स, दो टेबल और दो चेयर प्रोवाइड की जाती हैं और दोनों को एक एक अलमीरा प्रोवाइड की जाती है टू कीप देयर स्टफ लाइक दिस। दिस इज द स्टडी रूम फॉर एवरी गर्ल इन द हॉस्टल एंड ऑल्सो वी हैव अ रिक्रिएशन रूम। यहाँ पे टीवी भी अवेलेबल है। देयर इज ऑल्सो अ टेबल टेनिस टेबल। आप लोग परमिशन लेके यहाँ पे खेल सकते हैं। तो हॉस्टल से बाहर निकलने के बाद हमारे सामने ये एरिया आता है और इसमें लेफ्ट साइड में एक स्टोर रूम है जहाँ पे स्टोर से कोई भी चीज़ आपकी इसेंशियल की यहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये यहाँ पे स्टोर है पूरा। तो यहाँ से स्टोर से निकलने के बाद आप ये सामने जाओगे तो ये यहाँ पे डोसा प्लाजा है। तो यहाँ से आप फूड इंजॉय कर सकते हो इसमें डोसा प्लाजा में। यहाँ पे एक एटीएम मशीन भी है। अब मैं अंदर से आपको एक बार पूरा डोसा प्लाजा दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो अभी आप ये पूरा डोसा प्लाजा का माहौल देख सकते हैं कि कैसा है। यहाँ पे ये डोसा प्लाजा है, यहाँ से आप फूड इंजॉय कर सकते हैं। ये यहाँ पे कैफ़े ब्लॉसम है और एक ये न्यू कैफ़े यहाँ पे ओपन हो रहा है अभी। तो चलते हैं तो गाइज अब डोसा प्लाजा के बाहर। और आप बाहर निकलोगे तो यहाँ पे एक सीसीडी भी है जो अभी ओपन नहीं हुआ है। तो अब चलते हैं हॉस्टल के बाहर। तो यहाँ से ये ऐसा हॉस्टल दिखता है। तो ये थी पूरी हॉस्टल की वीडियो। तो और ऐसे ही अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर इसके कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ। थैंक यू।